हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल पू व्लॉग्स एंड हैप्पी संडे। आज के दिन में मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल मिसिंग डिश। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आलिया लिगांग जो मिसिंग का फेस्टिवल होता है वहां में ये डिश होना बहुत जरूरी है, और वो डिश का नाम है माटी कलाई दाल विद गाहड़ी। यस, और जब भी पहले मैंने मिसिंग फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स किया था, वहां पे बोला गया था कि आपने मिसिंग फूड बनाया और आपने पेरे दोइंग नहीं बनाया। पेरे दोइंग मीन्स माटी कलाई दाल। तो आज मैं वो स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ संडे के दिन में। राहुल को भी अच्छा लगेगा, आई थिंक वो मिसिंग डिश उसका सबसे फेवरेट है। सो स्टार्ट योर डे विद द बिगेस्ट स्माइल ऑन योर फेस एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। गाइस देखिए खिड़की में क्या चिड़िया है, ये क्या चिड़िया है, ये हम पहले भी वीडियो करने के लिए किया था, उड़ गया। ये कोयल है क्या? कोयल होता है ये, नाइटिंगल ये लग रहा है। हमें अजीब अजीब चिड़िया मिलते हैं। ट्रेडिशनल मिसिंग डिश माटी कलाई दाल के लिए इसको हम लोग फुला लेते हैं। यहाँ पे जो भी फ्लोट कर रहा है उसको हम लोग फेंक देंगे थोड़ी देर में। अभी इसको 1-2 घंटे तक रख देते हैं, अगर ओवरनाइट रखते हैं तो और भी अच्छा है। ये है सीरा और ये क्या है, दही। डेरी मिल्क फ्री मिला क्या? 75 में तो 5 रुपए का ही। वाओ, ओह माय गॉड। ये दही सीरा ब्रेकफास्ट है और यहाँ पे हम लोग खाएंगे। मैंने सब धुला लिया है। पीतल का बाटी हमारे पास है नहीं, वो भी लेना है गाइस। और ये जो ब्रेकफास्ट है ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट, वो पीतल का कटोरी में खाने में ही मजा आते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे खाते हैं। चलो, हमारा अहोम का लड़का जो बना के दिखाएंगे। अहोमिया लोरा बोलो ना तू। अहोमिया लोरा इसको पूरा धो दू तो इसको हम लोग सूखा सूखा ऐसे नहीं खा सकते हैं। चीरा को धो लेना चाहिए ना। देख रहे हैं क्या सीरा दिए है ना? तुम क्या सीरा लेके आए? और लंबा लंबा वाला क्यों नहीं लाए जो पैकेट में मिलता है? पैकेट वाला ज्यादा ही है ना, पॉलिश। डबल राहुल, नहीं नहीं नहीं, डबल होने से नरम हो जाएगा। हम लोग को थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहिए। नहीं क्रंची नहीं होगा ये, पेलो क्रंची नहीं, डबल नहीं धोते है। कौन बोला है तुमको? मुझे पता है ना। देखो ना, ला ये दही खराब हो गया क्या? दही तो पूरा होना चाहिए। ये फ्रीज में रख के फट गया। नहीं, ये आइसी दही है। वाओ, बेचा बेचा, वाओ। तो इसको अभी समर का दिन में ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है ना, पेट ठंडा कर देते हैं पूरा। ओह माय गॉड, इतना ठंडा है यार। देखिए स्पेशल मिक्स कर रही है। ये उंगली क्या हो गया? स्टूडेंट इतना ठंडा है, बहुत मजा है ना। तुमको ठंडा पसंद नहीं है? नहीं, तुमको पसंद नहीं है? ठंडा पसंद नहीं, उपाय नहीं, लेकिन दही तो ठंडा में रहता है ना। हमको पसंद है ठंडा ठंडा। जो पोहा बोलते हैं वो स्टिकी नहीं होता। लेकिन पेरे दोइंग बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे है ग्रीन चिली, लहसुन, 1 होल प्याज, अदरक और धनिया। और हमें चाहिए खार, जो कि नेचुरल सोडा का जैसा होता है।
अगर आपके पास खार नहीं है आप कुकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने 1/2 kg पोर्क, काली दाल है, मटी कलाई दाल। 1 आवर हो गया है, अब इसको हम लोग धो देते हैं। इसे मैंने 2-3 बार धुला लिया है, अभी बहुत साफ हो गया है ये। यहाँ पे डालेंगे हम लोग थोड़ा सा स्लाइस्ड जिंजर, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अभी इसे हम लोग 5-6 सीटी होने तक पकाएंगे। अभी हाई फ्लेम में पकाना, 1 सीटी के बाद फ्लेम लो करके मैं पकाती हूँ ताकि दाल सॉफ्ट हो जाए। फटाफट खोल लेते हैं। ये हाथ से कवर क्यों किया, क्योंकि ऐसे बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे डलेगा मस्टर्ड ऑयल, ये किचन में ये मस्ट है। अगर फिश फ्राई करना है या पोर्क फ्राई करना है तो ये बहुत काम आता है। तेल निकल गया है, अभी इसे खाली कर देते हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी डालूंगी मैं, क्योंकि पोर्क से इतना तेल निकला ही है, फ्लेवर के लिए मस्टर्ड ऑयल भी डालना बहुत जरूरी है। ये प्याज एंड चिली, तो प्याज को अच्छे से फ्राई करना है थोड़ा हल्का भूरा होने तक, तभी इसका फ्लेवर रिलीज होगा, अदरवाइज ये अनकुक्ड रह जाएगा। अभी हम लोग डालेंगे ये जो राहुल ने बनाया है, चिली गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। अभी यहाँ पे आप डालेंगे जालुक, मतलब कि ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे। अभी रेड चिली पाउडर, बर्ड चिली पाउडर है ये, बहुत स्पाइसी है। मटी कलाई दाल तो पेरेड ओइंग के लिए ये बेस तैयार हो रहा है। मैंने दाल में भी थोड़ा सा सॉल्ट डाला ही था। चलिए देखते हैं मटी कलाई दाल सॉफ्ट हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है अदरक के साथ। वाह, आया 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 आया, गरम गरम गरम, पूरा सॉफ्ट हो गया। सुन रहे गाइस, कोयली है, मैंने बोला ना वो काला वाला चिड़िया। नहीं, गर्मी में हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। वही वही वही, बंद कैसे करो, बंद कैसे करो, बंद बंद बंद। ये लो, कैसे रहो ना। चलिए देखते हैं हमारा पोर्क कैसा है। क्या क्या करेगा ना, सॉफ्ट है, परफेक्ट। दाल डाल सकते हैं अभी। अभी हम लोग डालेगा दाल। पोर्क को और दाल को अच्छे से मिक्स करिए। दाल भी सॉफ्ट हो गया है, पोर्क भी सॉफ्ट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ में डालेंगे थोड़ा सा खार। गाइस, ये हो गया हमारा ऑथेंटिक पेरेडोइन तैयार। और लास्ट में हम लोग गार्निश के लिए डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, सब मिक्स कर देंगे।
अगर आपको साग ज्यादा पसंद है तो आप पालक या सरसों का साग ऐसा डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक पेरेड ओइंग जो डिश है वहाँ पे साग नहीं डालता है, लेकिन कोई कोई डाल देता है विच इज नॉट ऑथेंटिक। तो अगर आपको प्योर ऑथेंटिक मिसिंग डिश खाना है पेरेड ओइंग विथ पोर्क, तो लास्ट में आप धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। इट्स लुकिंग सो यम्मी, सो क्रीमी। तो ये मेरा पहली बार होगा ये मिसिंग डिश खाने वाला, तो चलिए ट्राई करते हैं अपना खुद का बनाया हुआ। लास्ट का माल भी राहुल निकाल दिया पूरा। चलिए तो खाना शुरू करते हैं। तो ये अच्छा आइडिया ना, मैंने तो दाल भी है मीट भी है। के वैसे थोड़ा सा ना ऑयली थोड़ा सा कम ऐसा लगा है ना। हाँ, और सॉफ्ट हो जाता है ना। तो ऐसे यूजुअली जो पेरे दही है वो जो चिकन के साथ बनता है कि पोर्क के साथ? पोर्क मतलब मिसिंग के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से चिकन के साथ भी बना सकता है क्या? लोकल चिकन के साथ भी ना बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे फेवरेट तो मेरा गाइस हुई है पोर्क का फैट, और दाल इतना क्रीमी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी खाओ, हमको निकलना है ना, फिर लेट हो जाएगा। ये क्रीमी है, जाना है ना हम लोगों को? कहाँ जाना है? बस रेडी करो, तुम टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी ठीक है, जल्दी जल्दी रेडी करो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक दिन और पेरेडोइंग मतलब ये आपका ऑथेंटिक है ना, मेन फेस्टिवल है आली अली गंज, तो इसमें ये बनता ही, और मिसिंग के घरों में ये बनता ही। तो जो जो जिनका जो लोग मिसिंग है या फिर जिनका दोस्त लोग मिसिंग है, श्योर आप लोग खाया ही होगा। और अगर आपका मिसिंग दोस्त है और ये नहीं खिलाया ना, पकड़ो उसको, खिला बोलो। और ना गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम खाया, इतना टेस्टी है, यू हैव टू ट्राई दिस। अगर पोर्क नहीं तो आप चिकन के साथ ट्राई कर सकते हैं या फिश के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं वो मुझे पता नहीं। ओके, अभी हम लोग खा के हम लोग निकलना है। कहाँ निकलना है, क्या निकलना है गाइस, जल्दी होना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय गाइस, बाय गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी, रुको वेट। ओ, हमारा बस आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत हालत खराब है, बहुत।